जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे मैच के लिए भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिया नए और पुराने अनुभवी चेहरों का खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान। तो आखिर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मिलकर कौन कौन खतरनाक युवा और पुराने अनुभवी खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल कर दिया है और श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे मैच कब और कितने बजे खेला जाएगा हम आप लोगों को बताएंगे इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद अब टीम इंडिया की नजर वनडे सीरीज पर है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों का वनडे सीरीज का पहला मैच 2 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। तो दोस्तों ये मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है क्योंकि इस मैच में रोहित कोहली समेत कोई पुराने खिलाड़ियों का आपसी हो रहा है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे मैच के लिए भारत का प्लेइंग 11 कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 में रोहित शर्मा नजर आएंगे। तो दोस्तों रोहित शर्मा वनडे मैचों के लिए कप्तान की भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। इसकी फॉर्म की बात करें तो ये अभी खतरनाक फॉर्म में चल रहा है। 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर में शुभमन गिल नजर आएंगे। तो दोस्तों शुभमन गिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। शुभमन गिल वनडे और T20 दोनों ही फॉर्मेट में अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर में विराट कोहली नजर आएंगे। तो दोस्तों जब जब टीम इंडिया मुसीबत में होती है तब विराट कोहली उस मुसीबत से टीम इंडिया को हमेशा बाहर निकाला है। इसका एक उदाहरण हाल ही में खेला गया T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर में श्रेयस अय्यर नजर आएंगे। तो दोस्तों श्रेयस अय्यर वनडे फॉर्मेट के लिए बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इसने वर्ल्ड कप 2023 में कमाल का प्रदर्शन किया था। श्रेयस अय्यर अभी शानदार फॉर्म में चल रहा है। 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में ऋषभ पंत नजर आएंगे। तो दोस्तों ऋषभ पंत की फॉर्म की बात करें तो ये अभी शानदार फॉर्म में चल रहा है। ऋषभ पंत पहला वनडे मैच के लिए विकेट कीपिंग की भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में रियान पराग नजर आएंगे। तो दोस्तों रियान पराग को पहला वनडे मैच के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। रियान पराग ने श्रीलंका के खिलाफ T20 मैचों में जबरदस्त ऑलराउंडर का भूमिका निभाया था, ये अभी शानदार फॉर्म में चल रहा है। 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर में वाशिंगटन सुंदर नजर आएंगे। तो दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने श्रीलंका के खिलाफ T20 में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन को देखते हुए श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे मैच में इसको मौका मिला है और ये अभी शानदार फॉर्म में चल रहा है। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर में अक्षर पटेल नजर आएंगे। तो दोस्तों अक्षर पटेल भी टीम इंडिया के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। इसने T20 वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन किया था और मैच विनिंग पारी भी खेला था। 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर में मोहम्मद सिराज नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज भी वनडे फॉर्मेट में बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। इसने पिछले वनडे वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन किया था और बहुत सारे विकेट भी चटकाया था, ये भी शानदार फॉर्म में चल रहा है। 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर में अर्शदीप सिंह नजर आएंगे। तो दोस्तों अर्शदीप सिंह भारतीय टीम के लिए अभी बेहतरीन खतरनाक तेज गेंदबाज हैं। इसने T20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था। अर्शदीप सिंह भारतीय टीम के लिए मुख्य गेंदबाज की भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। और 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर में खलील अहमद नजर आएंगे। खलील अहमद ने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार गेंदबाजी किया था और बहुत सारे विकेट भी चटकाया था। खलील अहमद अभी शानदार फॉर्म में चल रहा है। तो दोस्तों ये था श्रीलंका के खिलाफ पहला वनडे मैच के लिए भारत का खतरनाक प्लेइंग 11। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि पहला वनडे मैच कौन जीतेगा। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह मजेदार नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।